हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज गणित की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी को पता है NTPC 2019 की कंप्लीट तैयारी मैं करा रहा हूं टॉपिक स्टडी चैनल पर। आप सभी वीडियोज़ के टाइमिंग नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना के लिंक दे दिया, वहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिया गया है इसमें यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 258 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यह 3 से 4 बार आ चुका है रेलवे में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है भाई, आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर आपको तीनों कोणों का योग पता है तो तीनों कोणों का अनुपात भी पता है, तो इस अनुपात में डिवाइड कर दीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़े कोण का मान, तो यहाँ पे आप 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 5 और 2 7, 7 और 8 15 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 डिग्री। अब 12 डिग्री आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो 12 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो 12 8 96, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो 12 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते तो 24 हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी ट्राई करिए और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक पर्स में 455 रुपये हैं, एक पर्स में 455 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमश 2, 4, 5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जब आपको रुपीज़ बता दिया जाए कि पर्स में कितने रुपीज़ हैं, कितने रुपए हैं, और उनके रुपीज़ में ये भी बता दिया जाए कि कितने कितने रुपए के सिक्के हैं या फिर कितने रुपए के नोट हैं और उनके रेशो भी बता दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जितने रुपए के इसमें सिक्के हैं भाई, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का है, ठीक है, इसमें सिक्के, और किस रेशो में 2, 4, 5, तो इनमें 2 की मल्टीप्लाई 4 की और मल्टीप्लाई 5 की कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि रेशो के अकॉर्डिंग इसमें रुपीज़ कितने हैं। अब इनको प्लस करेंगे दोस्तों, सॉरी 4 2 8 होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, तो 2 8 25, तो यहाँ पे इनको प्लस करिए दोस्तों, 8 और 2 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, यानी कि अगर मैं रेशो के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये 35 रुपये बैठ रहे हैं, ठीक है, अभी समझते रहिएगा, रेशो के अकॉर्डिंग 35 रुपये बट एक्चुअल में प्रश्न में जो रुपीज़ है वो 455 रुपये है। इसका मतलब भाई रेशो के अकॉर्डिंग 35 है तो मैं 455 को डिवाइड कर दूंगा 35 से तो मुझे एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एक रेशो बराबर कितने रुपीज़ है, तो 35 से मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13, यानी कि आपको एक रेशो की वैल्यू 13 मिल गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये वाला जो है आपका रेशो कितना है 4 है, तो 4 13 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए दोस्तों, 52 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो भी आपको सिक्के हों या नोट्स हों उनमें जिस रेशो में वो दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके सबसे पहले निकाल लेना है कितना आता है, जितना भी वो आएगा उसे फिर जितनी अमाउंट दे रखी होगी बैग में या फिर पर्स में जिसमें भी दे रखी होगी तो उसको उतने से भाग करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू पता चलेगी तो फिर आप 2 रेशो की भी निकाल सकते हैं, 4 की भी निकाल सकते हैं, 5 की भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाता कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं तो 2 में मल्टीप्लाई कर देते 26 हो जाता, इसी तरीके से 5 में मल्टीप्लाई कर देते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये बहुत बार आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिए सभी और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाते हैं। इसमें बोला जा रहा है आदमियों की एक निश्चित संख्या का निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। देखिए निश्चित संख्या का मतलब होता है कि कुछ संख्या है, हम उसको x भी मान सकते हैं, ठीक है, आप उसको y भी मान सकते हैं, आप उसको a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या जो है किसी काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है, 5 आदमी काम पर नहीं आते। देखिए सहमत कितने हुए थे, निश्चित आदमी, और उन निश्चित आदमी में से 5 आदमी काम पर ही नहीं आते तो बाकी जो बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलित यानी कि जो शुरुआत में
काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाए। देखिए जितने आदमी सहमत हुए थे ना काम करने के लिए उनकी संख्या का पता आपको लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ट्राई करके। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो निश्चित संख्या थी वो एक्स है भाई, एक्स नंबर ऑफ आदमियों ने इसको काम करने को 20 दिन में ले लिया था, एक्स नंबर ऑफ आदमियों ने इस काम को 20 दिन में करने का ठेका ले लिया था, सहमत हो गए थे। अब उसमें से पाँच नहीं आए, तो एक्स में से पाँच नहीं आए तो दोस्तों हमारे पास बचे कितने, एक्स माइनस पाँच। जितने नहीं आएंगे एक्स में से, यानी कि टोटल तो हमारे पास एक्स है, अब उसमें से पाँच नहीं आए तो एक्स माइनस पाँच लिख लेंगे। और जो ये आदमी आए एक्स माइनस पाँच जो आए, इन्होंने बाकी काम को 40 दिन में कर लिया, तो इसे गुणा 40 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है समाप्त किया जाता है आदमी जो मूल रूप से काम करने आए थे उनकी संख्या बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मतलब ट्रिक है हमारी M1D1 और आपका इक्वल M2D2। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। M1D1 क्या है, सबसे शुरुआत में कितने आदमी लगने थे, x आदमी लगने थे, कितने दिन में काम करने वाले थे 20 दिन में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर ली 20 में। फिर कितने आदमी नहीं आए, पांच आदमी नहीं आए, इसका मतलब हमारे पास आदमी कितने बच गए, x माइनस फाइव, और ये x माइनस फाइव कितने दिन में करेंगे 40 दिन में, तो मल्टीप्लाई 40। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, 20x बराबर 40 की x में करेंगे दोस्तों 40x माइनस 40 की पांच में कर देंगे कितना हो जाएगा 200, 40x में से 20x माइनस करेंगे तो 20x बराबर दोस्तों कितना होगा 200, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 10। यानी कि मूल रूप से शुरुआत में 10 आदमी आए थे काम करने के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब मुझे ये बताइए सभी की समझ में आ गई चीज, बेसिक सा क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब फिक्स पैटर्न है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतने आदमी काम करने आए थे, इतने नहीं आए, या फिर इतने छोड़ के चले गए और फिर इतने आदमी ने उस काम को इतने दिन में कर लिया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको कैसे करना है, M1D1 बराबर M2D2। समझ में आ गया सभी के, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, मुझे बार बार बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, तो ये बोलने वाली बात को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही कर देंगे तो मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए भाई एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए, टेस्ट सीरीज जो है आपकी NTPC ग्रुप डी की अवेलेबल है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके प्राइस 149 रुपीज़ है, अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो ये केवल 119 रुपये में आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बार आया भाई, और इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। यहाँ पे बोला जा रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि हानि प्रतिशत कितना है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए सुमित के वेतन में क्या क्या है, सबसे पहले तो 40% की कमी की गई, पहले कमी की गई और फिर उतनी ही वृद्धि कर दी गई, तो आपसे पूछा गया कि उसके, देखिए यहाँ पे तो बता दिया कि हानि ज्ञात करिए, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि उसके वेतन में हानि हुई या फिर उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि उसको लाभ हो गया, ये आपसे पूछ ले जाता है। और ऑप्शन में वहाँ पे आपको 0% भी ऑप्शन मिल सकता है कि यानी कि ना उसको हानि हुई ना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भाई 40% कम किया गया था, 40% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या पता भाई चेंज ना हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा जब भी सेम परसेंटेज को पहले घटा दिया जाता है और फिर बढ़ा दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो याद रखिएगा, लॉस होता है। अब उस लॉस को निकालेंगे कैसे, देखिए या तो आप ऐसे कर लीजिए एक्स की स्क्वायर अपॉन में 100, बस इसको करिए। एक्स की स्क्वायर क्या होगा, जो आपका यहाँ पे दिया होगा, तो 40 का स्क्वायर करिए और 100 से भाग कर दीजिए, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 1600, और 1600 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 16% आपका आ जाएगा, यानी कि 16% का लॉस हुआ। एक तो मेथड ये हो गया, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, जब भी सेम परसेंटेज हो उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 100 से भाग कर दीजिए, जब भी सेम परसेंटेज घट रही और बढ़ रही हो तो उस परसेंटेज का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और 100 से भाग कर देना है। ये हो गया। अब एक इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, इसको भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 40 प्लस 40। ठीक है, सॉरी इसको 40 प्लस 40 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार कम किया गया तो -40 प्लस 40। ठीक है, -40 मल्टीप्लाई प्लस 40 अपॉन में 100, ये प्लस प्लस तब होगा जब दोनों कंडीशन में इंक्रीज हुआ हो, ठीक है, या फिर दोनों कंडीशन में डिक्रीज हुआ हो, तो तब जब एक बार कम किया जा रहा है और एक बार बढ़ा जा रहा है तो इस तरीके से करेंगे, तो -40 और -40 से तो कट जाएगा आपका, यहाँ पे 0 से 0 और 4 चौक 16, तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 का मतलब आपका 16% का लॉस।
ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने दो टीवी सेट 47,908 रुपये में खरीदा, उसने एक टीवी 17% लाभ पर तथा दूसरा 11% हानि पर बेचने से उसे पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई। ये इन्होंने बता दिया, कई बार यही पूछ लिया था कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई, बट इन्होंने बता दिया ना लाभ हुआ ना हानि हुई। प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य बताइए, प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि उन दोनों टीवी के प्राइस कितने हैं, उन दोनों टीवी के प्राइस मतलब उन दोनों टीवी के प्राइस के रेशो क्या हैं। प्राइस तो आप निकाल ही लेंगे, रेशो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 100% था टीवी का प्राइस, 100% टीवी का प्राइस। वैसे भी मानना नहीं है, जब भी आपको परसेंटेज की बात की जाए कहीं पे भी 17% और 11% की आनी, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे 100% उसका प्राइस होगा। अब 100% में से एक में तो उसको लाभ हुआ, यानी कि पहले वाले टीवी पे उसको लाभ हुआ, तो 117% में उसने बेचा होगा। दूसरे पे उसे हानि हुई 11% की, यानी कि दूसरा टीवी उसने 11% की हानि पे बेचा, यानी कि 89% पे बेचा होगा। भाई 100 में से माइनस कर लेते हैं अगर हानि होती है, प्लस कर लेते हैं अगर प्रॉफिट होता है, और 100% की उसकी वैल्यू थी। तो यहां से आप इनको माइनस करिए, 100 में से 117 को माइनस करेंगे दोस्तों 17 आ जाएगा, 100 में से 89 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 11 आ जाएगा। इनका रेशो कितना आ गया, जो प्रॉफिट वाला टीवी है उसका रेशो 11 है और जो लॉस वाला टीवी है उसको रेशो 17 है, यानी कि 11 और 17 का इनका रेशो आ गया। अब इस 11 और 17 के रेशो को दोस्तों किस में डिवाइड कर लेंगे हम, 47,908 में, यानी कि दोनों टीवी का हमें प्राइस पता चल जाएगा। ये हमारा रेशो आ गया 11 और 17 का। अब यहाँ पे क्या करिए, 47,908 रुपये को आप किससे डिवाइड करेंगे, 17 और 11 कितने हो गए 28, 28 से भाग करिए। 28 से भाग करने पर आपको मिला, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 1711, 1711 आ गया। अब 1711 क्या है, एक रेशो की वैल्यू आपको मिल गई। अगर एक रेशो की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे मैं 11 में मल्टीप्लाई कर लूँगा दोस्तों 1711 की, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1711 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,821 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 18,021 इसमें भी है, 18,821 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो आप देख लेते हैं दूसरे वाला क्या होगा, 17 की करेंगे मल्टीप्लाई 1711 में, 1711 में मल्टीप्लाई करिए 17 की, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये 29,000 आ जाएगा, 29,000 समथिंग, 29,087। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, रेशो मेथड से किया गया है, यानी कि आप इस एलिगेशन मेथड का लगा करके यहाँ पे सबसे पहले आपने रेशो बना लिया कि भाई प्रॉफिट पे कितना परसेंट टीवी बेचा गया था 11, और रेशो में मतलब, और लॉस वाला था आपका 17। यहाँ पे आपने दोनों को प्लस किया 28। अब इस अमाउंट, ये दोनों टीवी के प्राइस हैं, दोनों के जितने में हमने खरीदा था दोनों के प्राइस हैं, तो इसको 28 से भाग कर लेंगे तो हमें एक रेशो की वैल्यू मिल गई 1711। अब एक रेशो की वैल्यू 1711 है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि 11 की और 17 रेशो की मल्टीप्लाई करके कितना कितनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इसको ट्राई करिए फटाफट। इसमें बोला जा रहा है पी, यदि पी राशि 5% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे आपको ना छोटी छोटी बातें पकड़नी होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है वो 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 5% का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, यानी कि हर साल 5% लगेगा, और जो आपको ब्याज निकालना है दोस्तों वो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि आपको हर 6 महीने में, अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि आप अगर 2 साल में हर 6 महीने तक इंटरेस्ट लगाते रहेंगे तो कितनी बार इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, 4 बार इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर 6 महीने बाद 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 5% को भी डिवाइड कर लेना है 2 से, क्योंकि ये आपका पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है और हमें 6 महीने का चाहिए, तो 2.5% आपका आ जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब यहां से आपका होता है क्वेश्चन स्टार्ट। अब आपको पता है मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है। मिश्र धन का एक ट्रिक है आपकी दोस्तों, मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, 1 + R/100, और जितना भी टाइम आपका हो, यानी कि जितनी बार भी आपको इंटरेस्ट लगाना हो वो यहां पे पावर रखेंगे, 4 बार लगाना है तो यहां पे 4 आ जाएगा, टाइम आता है यानी कि मतलब यहां पे। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहां पे निकालनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, तो मैं इसमें कैसे पुट करूंगा भाई, यहाँ पे शुरू में पी भी आता है तो पी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, R कितना है 2.5, मैंने अभी निकाल ही लिया था, अपॉन में 100, और ये क्या है 4 बार है।
अब देखिए इसमें पी को तो हम वैसे का वैसे रखेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 100, और इसमें 2.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 2.5 और डिवाइड कर देंगे 100 से। ये समझ में आ गया इतना सभी को? अब इसको, और ये कितनी है पावर 4 है। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लीजिए, बस यही आपका हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पी ये आपका हो जाएगा पी ब्रैकेट 1.1025 की पावर 4। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन सा है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पूरा सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग चीज़ें हैं। तो जहाँ पे जहाँ तक इसमें आपको कर सकते हैं सोल्व, वहाँ तक आपको बताना है, आप इसको यहीं तक सोल्व कर सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल वही होता है, वही सारा पैटर्न होता है। मतलब फॉर्मूला मेथड ही इसमें यूज करेंगे हम। हमें पता है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए, सॉरी अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अमाउंट यानी कि मिश्र दर निकालने के लिए पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100, और इसमें टाइम यहाँ पे आ जाता है, टाइम जो भी जितनी बार भी इंटरेस्ट लगाते हैं उसको टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया और सारी वीडियो समझ में आ गई, तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कल से फिर हम बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी एक वीडियो बीच में मैं लेके आ गया था थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पे फॉलो कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी PDF मिल जाती है। PDF कहाँ पे मिलती है, टेलीग्राम पे। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ठीक है भाई। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।